हे एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू टाइम। सो लेट्स स्टार्ट विद द आईटोल डिस्कशन फॉर 19th ऑफ फरवरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से आईटोल को डिस्कस करना है। वी हैव टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आईटोरियल जो कि द हिंदू से आते हैं। तो फर्स्ट टॉक्स अबाउट द रेफ्यूजी एंड असाइलम लॉ जो कि इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। नाउ क्या इंडिया के अंदर एक रेफ्यूजी लॉ है या फिर नहीं है, एंड क्या हमें एक जरूरत है रेफ्यूजी लॉ की, इन सब चीजों को हम काफी डिटेल में बात करेंगे। नाउ दिस पर्टिकुलर आईटोरियल हैज बीन रिटन बाय शशि थरूर सर। नाउ ये आईटोरियल जो है काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारे प्रेजेंट नीड्स को डायरेक्टली सिग्निफाई करता है। एंड सेकंड थिंग दैट विल टॉकिंग बी अबाउट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके अंदर एक रीसेंट स्कीम यहां पर लॉन्च किया गया है, दैट इज कॉल्ड एस एबीसी स्कीम। नाउ एबीसी स्कीम का मतलब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम। नाउ व्हाट डिड दिस पर्टिकुलर स्कीम मींस और इसके अंदर एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या क्या है, हर एक चीज के बारे में हम काफी डिटेल में बात करेंगे। लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट द रेफ्यूजी एंड असाइलम लॉ, और दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस2 पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पर हमें डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के जो पॉलिटिक्स वगैरह है और जो इंडिया का इंटरेस्ट है उसके बारे में बात करनी होती है। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस2 पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। नाउ एज आई टोल्ड यू, दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल इज रिटन बाय मिस्टर शशि थरूर, और उन्होंने रिसेंटली एक प्राइवेट मेंबर्स बिल यहां पर इंट्रोड्यूस किया है हमारे लोकसभा के अंदर। नाउ देखिए, इस पर्टिकुलर प्राइवेट मेंबर बिल का मेन एम ये है कि एक रिफ्यूजी एंड असाइलम लॉ को बनाना है इंडिया के अंदर। नाउ इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर काफी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया हुआ है कि एग्जैक्टली जितने भी लोग होंगे जो कि रेफ्यूजीज वगैरह होंगे, जो कि असाइलम के लिए इंडिया में आ रहे हैं, उनको कौन कौन से राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कौन कौन से उनकी ड्यूटीज वगैरह होंगी, एवरी सिंगल थिंग हैज बीन कवर्ड इन वेरी डिटेल। उसी चीज के बारे में हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर बात करेंगे। नाउ इस पर्टिकुलर बिल को लाने की जरूरत क्या पड़ी, सबसे पहले हम समझते हैं शशि थरूर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ये बोलते हैं कि लगातार पिछले कुछ महीनों से देखा गया है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो लगातार डिसरिस्पेक्ट शो कर रही है डिफरेंट रेफ्यूजी कम्युनिटीज को। अगर आप पीछे जाकर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज प्रेजेंट है जो कि इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, बट उनको एक प्रॉपर यू नो एक केयर और जो प्रोटेक्शन जो चाहते हैं एक्चुअली उनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो उसको हम समझते हैं। नाउ देखिए, बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट वी मस्ट रिमेंबर कि एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड नॉन रिफॉल्वमेंट, एंड वी हैव इंटरनेशनल प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। सो समझते हैं नॉन रिफॉल्वमेंट का मतलब क्या है। देखिए, मान लीजिए कि देयर इज अ पर्सन कॉल्ड से, अगर वो अपनी मान लीजिए कि एक जो है किसी एक कंट्री का रहने वाला है, इफ इन दैट पर्टिकुलर कंट्री ए एक रिलीजियस पर्सिक्यूशन फेस करता है, मतलब रिलीजियसली उसको टारगेट किया जाता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को और इसे मारने की कोशिश की जाती है बाय डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स, तो ये पर्सन अपने कंट्री से भाग कर किसी दूसरी कंट्री में चला जाएगा। राइट, नाउ इफ जस्ट सपोज इट गोज टू द कंट्री C2, मतलब मान लीजिए C1 का है वो और C2 में जाता है। नाउ C2 का ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन बनता है कि इफ अ पर्सन कॉल्ड एज ए अगर अपनी कंट्री को छोड़ करके हमारी कंट्री के अंदर आया हुआ है तो वी मस्ट नॉट सेंड बैक दैट पर्टिकुलर पर्सन टू C1। तो ये देखिए, आप सिंपल वर्ड समझिए, C2 की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि C2 जो है A को वापस C1 में नहीं भेजेगा। दिस थिंग इज कॉल्ड एज नॉन रिफॉल्वमेंट, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन को वापस, मतलब एक रेफ्यूजी को वापस उसी कंट्री के अंदर नहीं भेजना है जहां पर उसका रिलीजियस पर्सिक्यूशन या फिर किसी भी तरीके का उसका पर्सिक्यूशन हो रहा था। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल। द पॉइंट इज, इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को कहीं ना कहीं इंडिया वायलेट कर रहा है अगर आप पिछले कुछ महीनों को देखेंगे तो। ठीक है, आई होप आप इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को समझ गए, जहां पर नो कंट्री शुड सेंड अ पर्सन टू द प्लेस वेयर ही और मे फेस पर्सिक्यूशन, जहां पर किसी भी टाइप का पर्सिक्यूशन फेस कर सकता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर persecution को आप सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं, जहां पर एक टारगेटेड जो लोग हैं वो किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट एक टारगेटेड अप्रोच करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ persecution, मतलब एक कम्युनिटी किसी दूसरे कम्युनिटी को मारने या फिर किसी को भगाने की कोशिश करती है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज persecution। नाउ इस चीज के थ्रू हमारे जो ऑथर है वो ये बोलते हैं कि इंडिया ने अपने मिलेनियल का जो ट्रेडिशन है उस चीज को कहीं ना कहीं बिट्रे किया है। तो किस तरीके से बिट्रे किया है, देखिए अगर आप इंडिया के ट्रेडिशंस को देखोगे, इंडिया एक शांति दूत की तरह यहाँ पर काम करता है, मतलब एक विश्व गुरु की तरह काम करता है, जहां इंडिया सबको डिफरेंट लोगों को असाइलम प्रोवाइड करता है और बहुत ही हॉस्पिटैलिटी के साथ उनको रखता है, मतलब काफी ज्यादा उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो अगर हम रेफ्यूजीज को अपने यहाँ पर मतलब संभाल के नहीं रखेंगे, उनको हम एक प्रॉपर शरण प्रोवाइड नहीं करेंगे, असाइलम प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं अपने खुद के ही ट्रेडिशंस को बिट्रे कर रहे हैं। देखिए, इन सब चीजों के बारे में हम काफी डिटेल में बात करने वाले हैं, आप बस यहां पर अभी शॉर्ट में समझिए। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन आईटोरियल है। नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि जो मिस्टर शशि थरूर है उन्होंने एग्जैक्टली किस बुनियाद पे इस पर्टिकुलर इल्जाम को लगाया है, ना क्यों ये मतलब ये सब चीजें बोल रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिया के अंदर जो डिफरेंट रेफ्यूजीज है उनका क्या क्या कॉज चल रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यांमार के अंदर जो रोहिंग्या रेफ्यूजी है। नाउ आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2 महीने पहले अराउंड रोहिंग्या रेफ्यूजीज के 2 बैचेस को इंडियन गवर्नमेंट ने वापस म्यांमार के अंदर सेंड कर दिया। नाउ डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि म्यांमार के अंदर रोहिंग्या रेफ्यूजीज का लगातार रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है, इसके बावजूद इंडियन गवर्नमेंट ने इनको वापस म्यांमार भेज दिया। इसका मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि जो रोहिंग्या जो वहां पर जाएंगे दे विल नॉट बी सेफ और हो सकता है कि उनके अगेंस्ट फिर से वो अटैक स्टार्ट हो जाए। सेकंड, सिमिलरली एक चकमा कम्युनिटी है जो कि बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब कंट्री से आती है, एंड दे हैव फ्लेड टू इंडिया, इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर रह रहे हैं, और इंडिया जो है अगेन चकमा कम्युनिटीज को भी वापस डिपोर्ट करने की बात कर रही है कि इनको हम वापस म्यांमार और बांग्लादेश जहां की ओरिजिनल पॉपुलेशन है वहां पर हम इनको सेंड कर देंगे। अगेन जस्ट थिंक कि अगर चकमा कम्युनिटीज वापस अपने कंट्री के अंदर जाती है तो फिर से उनका रिलीजियस पर्सिक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा।
सिमिलरली वी हैव वन मोर ग्रुप कॉल्ड एज म्यांमारीज. म्यांमारीज जो है वो म्यांमार के रहने वाले हैं एंड दे हैव फ्लीड टू इंडिया. इंडिया के अंदर वो मिजोरम के अंदर रह रहे हैं. नाउ मिजोरम के अंदर रहने के कारण ऑब्वियसली अपने आप को सेफ मतलब वो फील करने चाहिए, बट द पॉइंट इज कि इंडिया अगेन ये बोल रही है कि जो म्यांमारीज कम्युनिटी है उनको हम वापस म्यांमार के अंदर भेज देंगे. एंड सिमिलरली जो अफगान के कुछ जो अफगानिस्तान के कुछ स्टूडेंट्स है जो कि इंडिया के अंदर अभी तक स्टडी कर रहे थे. देखिए जैसे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का जो प्रॉब्लम आता है उसके कारण जितने भी अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स जो कि इंडिया के अंदर है दे डोंट वॉन्ट टू गो बैक टू अफगानिस्तान फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज ऑब्वियसली वहां जाएंगे तो उनका फिर से वहां पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी. सो दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू गो देयर. बट इंडिया हैज नॉट रिन्यूड देयर वीजास, मतलब उनके वीजास को यहां पर पूरी तरीके से रिन्यू नहीं किया गया है. मतलब बहुत ही कम लोगों का यहां पर वीजा को रिन्यू किया गया है, बाकी को दे विल बी फोर्स्ड टू गो बैक टू द अफगानिस्तान. तो अगर आप इन सब चीजों को समझेंगे तो आपको देखिए एक चीज तो आपको समझ आ गया कि जो हमारे रिफ्यूजीज हैं मतलब जो भी डिफरेंट कंट्री के जो रिफ्यूजी जो कि इंडिया के अंदर रह रहे हैं दे आर नॉट इन अ वेरी वेरी हैप्पी स्टेट. उनको वापस कहीं ना कहीं डिपोर्ट किया जा रहा है, उनको उनके कंट्री के अंदर वापस भेजा जा रहा है. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इंडिया ऐसा क्यों कर रही है. देखिए यहां से हटके मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट समझाता हूं कि वी हैव यू नो लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज. अब समझिए कि कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के जो रिफ्यूजीज वगैरह होते हैं उनको अपने कंट्री के अंदर क्यों स्टे नहीं करने देती है फॉर अ लॉन्ग टाइम. उसका सिंपल सा रीजन ये है कि वी हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज. लिमिटेड नंबर को आप सिंपल समझ सकते हैं वी हैव अ फिक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, अब यू ऑलरेडी नो कि इंडिया जो है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. राइट, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड है. इसका मतलब है वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन जिसका हम पेट नहीं भर पा रहे हैं. हम ऑलरेडी हंगर पॉवर्टी इन सबसे ऑलरेडी डील कर रहे हैं. द पॉइंट इज कि अगर हम हमारे यहां पर और सारे रिफ्यूजीज आ जाएंगे मतलब दूसरी कंट्री के लोग आ जाएंगे तो हमारा जो रिसोर्सेज के ऊपर जो प्रेशर है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. ये इंडिया का सिंपल सा लॉजिक है. ठीक है, अब देखिए ये सही है या फिर गलत है उसको आप डायरेक्टली आप उसको प्लीज मतलब वो मत कीजिए. ठीक है, डायरेक्टली किसी भी एक तरफ में मतलब बायसनेस शो नहीं करनी है कि इंडिया सही कर रहा है गलत कर रहा है. जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट दिस. दोनों के ही आपको मतलब पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा. इंडिया के जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से भी आपको समझना होगा. बिकॉज देखिए अगर आप समझेंगे जैसे मिजोरम के लोग हैं तो मिजोरम के लोग हैं दे आर ऑलरेडी फाइटिंग फॉर द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. अब यहां पर अगर एक और कम्युनिटी आ जाती है उसके अंदर भी अराउंड 20,000 पीपल आ जाते हैं तो ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, ये तो हो गया इंडियन गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आप म्यांमारीज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो समझिए उनके खुद के कंट्री के अंदर उनको प्रॉपर मतलब असाइलम मिल रहा था, उनको प्रॉपर्ली रहने नहीं दिया जा सकता था, इसलिए वो अपने कंट्री से भाग करके दूसरी कंट्री के अंदर आते हैं. तो इज दिस ओके अगर हम उनको वापस उनके कंट्री के अंदर भेज दें. तो आपको हमेशा दोनों पर्सपेक्टिव से सोचना है, डोंट एवर थिंक फ्रॉम जस्ट अ सिंगल पर्सपेक्टिव. ठीक है, ये हो गया हमारे रिफ्यूजीज का जो मेन कॉज है. नाउ इसी चीज को देखते हुए जो हमारे शशि थरूर है उन्होंने एक बिल को यहां पर रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया. समझते हैं इस पर्टिकुलर बिल के अंदर क्या क्या चीजें बात की गई है. पहली बात तो बोला गया है कि इस पर्टिकुलर बिल के थ्रू कोई भी ऐसा आर्बिट्री जो कंडक्ट होगा उसको हम पूरी तरीके से एंड कर देंगे. व्हाट डज इट मींस, सिंपल वर्ड्स में कि किसी भी रेफ्यूजीज को फोर्सफुली उनके कंट्री के अंदर वापस सेंड नहीं किया जाएगा. सेकंड चीज, कोई भी ऐसा फॉरनर किसी भी मतलब नेशन का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी रिलीजन का हो या फिर किसी भी एथनिसिटी का हो, उसको एक राइट दिया जाएगा टू सीक असाइलम इन इंडिया. मतलब इंडिया के अंदर आके वो एक असाइलम सीक कर सकता है, मतलब इंडिया के अंदर आके वो रह सकता है, शरण ले सकता है. असाइलम का सिंपल हिंदी वर्ड होता है शरण लेना. ठीक है, तो इंडिया के अंदर आके वो अपना मतलब प्लेस मतलब इंडिया के अंदर आके उसको बेसिकली प्लेस दिया जाएगा, वो आके बेसिकली रह सकता है, उसको बेसिकली इस टाइप का राइट प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, सो व्हेन यू प्रोवाइड अ राइट ऑब्वियसली आपको फिर देना पड़ेगा इन सब चीजों को. थर्ड चीज, इस पर्टिकुलर बिल के अंदर ये बोला गया है दैट वी हैव टू फॉर्म अ नेशनल कमीशन फॉर असाइलम. ये कमीशन जो होगा ये पर्टिकुलर केस टू केस बेसिस पर डिसाइड करेगा कि किस पर्टिकुलर कम्युनिटी को कौन कौन से मतलब राइट्स वगैरह प्रोवाइड करनी है, किसको डिपोर्ट करना है, किसको डिपोर्ट नहीं करना है. एवरी सिंगल थिंग विल बी डिसाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर कमीशन. एंड फाइनली देखिए जो ये नॉन रिफॉर्मेंट की पॉलिसी है ऑब्वियसली वो बहुत ही क्लियरली अफर्म्ड है इस पर्टिकुलर बिल के अंदर. मतलब हम ऑब्वियसली किसी एक मतलब नॉर्मल केसेस में किसी पर्सन को वापस नहीं भेजेंगे, बट ऑब्वियसली कुछ यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस भी है. कुछ अगर ऐसे लोग होंगे जो कि गलत तरीके से रेफ्यूजी का स्टेटस लेकर इंडिया के अंदर आने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली उनको एक्सक्लूड किया जाएगा, उनको एक्सपेल किया जाएगा और उनका जो रेफ्यूजी का स्टेटस उनको रिवोक किया जाएगा. मतलब क्या है, सिंपल वर्ड्स में अगर कोई गलत तरीके से इंडिया के अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो उसको आप रोकने के भी पूरी प्रोविजन इस पर्टिकुलर बिल के अंदर दिए गए. तो आई होप आप बिल के जो मेन जो कंसर्न्स है, जो मेन प्रॉब्लम जो मेन यहां पे पॉइंट्स है वो सब आप प्रॉपर्ली समझ गया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि हु आर रिफ्यूजीज, रिफ्यूजी एग्जैक्टली है कौन. देखिए हम पहले हम इंटरनेशनल एक्सेप्टेड डेफिनेशन समझते हैं कि एग्जैक्टली रिफ्यूजी है कौन, फिर हम समझेंगे एग्जैक्टली रिफ्यूजीज कौन नहीं है. पहले हमें समझना है कौन है. देखिए कोई भी ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री से भागता है और या फिर किसी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करता है बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ परसिक्यूशन. अगेन परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर टारगेटेड अटैक करती है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज परसिक्यूशन. तो अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जब दूसरी के अगेंस्ट करती है तो ये कम्युनिटी जैसे मान लीजिए बी कम्युनिटी अगर ए बी के अगेंस्ट अटैक कर रही है तो बी कम्युनिटी क्या करती है, इस पर्टिकुलर नेशन को छोड़कर भागती है और किसी ऐसी जगह पर जाती है जहां पर वो सेफ फील करे. ना वही जो सेफ फील करती है दैट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड एज उसका मतलब रेफ्यूजी कंट्री और वो दीज थिंग मतलब दीज पीपल आर कॉल्ड एज रेफ्यूजीज. नाउ जस्ट माइंड यू
सिर्फ वो लोग जो कि रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप या फिर पॉलिटिकल ओपिनियन, इन पांच चीजों के कारण जिनके ऊपर अटैक हो रहा है, दे विल बी कॉल्ड एज अ रेफ्यूजी। अगेन सिंपल वर्ड्स में समझिए, मान लीजिए कि वी हैव ग्रुप ए एंड वी हैव ग्रुप बी। ए मतलब ए जो ग्रुप है वो अटैक कर रहा है और जो बी है इसके ऊपर अटैक हो रहा है। दे सपोज ए जो जिस पर्टिकुलर रेस का है और बी किसी दूसरे रेस का है, तो ए के जितने भी लोग हैं वो बी पे इसलिए अटैक करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली बी इज नॉट ऑफ द सेम रेस, और इसी कारण बी भागती है और किसी दूसरे कंट्री के अंदर जाती है। सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट रिलीजन। देखिए मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी का है, सिमिलरली बी किसी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी का और ये माइनॉरिटी के अंदर है, ठीक है। तो ए बी के ऊपर अटैक करता है और इसके कारण बी अपने आप को बचाने के लिए भागती है किसी दूसरी कंट्री के अंदर। थर्ड मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर नेशन का है और बी को वो सेम नेशन का नहीं मानते हैं, तो यहां पर भी बी भागेगी और दूसरे मतलब कंट्री के अंदर भागेगी। फोर्थ वी हैव अ मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप, मान लीजिए कि ए एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप का है और बी किसी दूसरे सोशल ग्रुप का है, तो बी मतलब ए फिर से बी पे अटैक करेगा और बी भागेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज अ रेफ्यूजी। एंड फाइनली वी हैव अ पॉलिटिकल ओपिनियन, सिंपल वर्ड्स में ए का एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल ओपिनियन है, बी का कुछ दूसरा है, तो ए बी के ऊपर अटैक करेगा, बी भागेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज अ रेफ्यूजी। जस्ट रिमेंबर दीज फाइव टर्म्स, रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप एंड वी हैव पॉलिटिकल ओपिनियन। दिस इज अ इंटरनेशनल एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ द टर्म, दिस विल बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मेंस के अंदर डायरेक्टली इसको मेंशन कर सकते हैं। ऑलराइट, ये आई होप आप समझ गए कि एक्जैक्टली कौन कौन से लोग रेफ्यूजीज होंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एक्जैक्टली कौन कौन लोग रेफ्यूजीज नहीं होंगे। देखिए दिस पर्सिक्यूशन, फियर ऑफ पर्सिक्यूशन इज नॉट द ओनली रीजन जिसके कारण एक पर्टिकुलर कंट्री, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है। नाउ वी ऑल्सो हैव सम अदर रीजंस लाइक इकोनॉमिक बेटरमेंट। देखिए कोई पर्सन मान लीजिए जॉब के लिए अपनी एक कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में जाता है, ही विल नॉट बी कॉल्ड ऑब्वियसली रेफ्यूजी, उनको माइग्रेंट्स कहा जाएगा। सिमिलरली कोई भी ऐसा पर्सन जो कि गरीबी के कारण भाग रहा है, कोई एनवायरमेंटल डिजास्टर के कारण भाग रहा है, दे विल नॉट बी कॉल्ड एज अ रेफ्यूजी, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। अगर कोई पर्सन एनवायरमेंटल डिजास्टर के कारण भाग रहा है, ही विल बी कॉल्ड एज अ एनवायरमेंटल रेफ्यूजी। अगर कोई पर्सन इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए भाग रहा है, मतलब जॉब के लिए भाग रहा है, तो ही विल बी कॉल्ड एज अ माइग्रेंट बट ही विल नॉट बी कॉल्ड रेफ्यूजी। तो आई होप आप समझ गए एक्जेक्टली रेफ्यूजीज कौन है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इंडिया का केस क्या कह रहा है रेफ्यूजी के मतलब बेसिस पे। नाउ देखिए अगर आप पास्ट को समझेंगे तो इंडिया एक बहुत ही जनरस होस्ट रहा है। इंडिया ने बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज को, डिफरेंट ग्रुप्स को, डिफरेंट कम्युनिटीज को, डिफरेंट पीपल को इंडिया के अंदर मतलब इंडिया ने अपने यहाँ पर असाइलम प्रोवाइड किया है, और इंडिया ऑलरेडी काफी ज्यादा कर रही है देन एज कम्पेयर टू द मेनी कंट्रीज, मतलब जितनी बाकी कंट्रीज कर रही है उससे ज्यादा ऑलरेडी इंडिया कर रही है। बट इसके बावजूद इंडिया ने अभी तक 1951 का जो यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन है, जो कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इसको इंडिया ने ना ही अभी तक साइन किया है, इसको ना ही इसको इंडिया ने अभी तक रेटिफाई किया है। तो फर्स्ट चीज, तो इसका मतलब क्या है, किसी भी टाइप का इंटरनेशनल लॉ इंडिया ने अभी तक नहीं बनाया। सेकंड चीज, इंडिया ने अपना कोई भी इंडिया की मतलब खुद की कंट्री के अंदर इंडिया के पास कोई भी डोमेस्टिक असाइलम फ्रेमवर्क नहीं है, मतलब इंडिया के पास अपना कोई डोमेस्टिक लॉ भी नहीं है जिसके थ्रू वो किसी भी टाइप के रेफ्यूजी या फिर असाइलम को प्रॉपरली रेगुलेट कर सके। तो आई होप आप समझ गए इंडिया के पास इंटरनेशनल नहीं है, इंडिया के पास नेशनल नहीं है, इंडिया के पास डोमेस्टिक नहीं है, ठीक है। किसी भी टाइप का रेफ्यूजी लॉ इंडिया के पास प्रेजेंट नहीं है। तो दिस इज वेरी, ये बहुत ही आयरोनिक है। क्यों? देखिए अगर आप हमारे पास में जाकर देखेंगे तो वी हैव ऑलरेडी ट्राइड टू सेव अ लॉट मैनी कम्युनिटीज, अब बहुत सारे लोगों को हमने यहाँ पर बचाया है, हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बचाया है, बट इसके बावजूद हम इस पर्टिकुलर लॉ को यहाँ पर मतलब साइन नहीं कर रहे हैं, जो कि इस पर्टिकुलर मतलब सेम चीज के बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि हमने किस चीज को अभी तक मतलब अपने यहाँ पर असाइलम प्रोवाइड किया। देखिए काफी पहले क्या हुआ था, मतलब बीसी में मतलब बिफोर क्राइस्ट वाले एरा में, मतलब जीरो से पहले, ठीक है, का जो पीरियड था उस पर्टिकुलर टाइम में बेबीलोन नाम की एक मतलब ग्रुप हुआ करती थी, मतलब एक कंट्री हुआ करती थी, वहां के जो लोग थे उन लोगों ने जेरूसलम टेम्पल को पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया था, और उसके कारण जितने भी ज्यूइश कम्युनिटीज थी उनके ऊपर एक खतरा आ गया था कि बिकॉज ज्यूइश कम्युनिटी को लगातार मारा जा रहा था, तो ज्यूइश कम्युनिटी जो है वो अपनी कंट्री से भाग करके इंडिया के अंदर आके उन्होंने असाइलम प्रोवाइड किया था, ठीक है, मतलब इंडिया के अंदर आई थी, और जो उस टाइम के इंडियन राजा लोग थे उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से ज्यूज़ को सेफ्टी प्रोवाइड की थी। सिमिलरली रोमन्स लोग, जब रोमन का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था, तो जो इस्लामिक लोग थे, जो इस्लामिक मतलब कंट्री के जो किंग्स वगैरह थे, उन लोगों ने रोमन्स के ऊपर अटैक स्टार्ट कर दिया था इन द 7th सेंचुरी एडी के आसपास में। सिमिलरली जो ज़ोरोस्ट्रियंस वगैरह थे, मतलब इन लोगों के अगेंस्ट भी इस्लाम ने काफी ज्यादा अटैक स्टार्ट किए थे, उसके कारण भी ये दोनों कम्युनिटी भाग करके इंडिया के अंदर आती है, अगेन इंडिया इनको काफी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। थर्ड, अगर आप रिसेंट ईयर्स की बात करेंगे तो बहुत सारे लोग जो कि तिब्बत से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है दैट इज दलाई लामा, ठीक है। इसके अलावा बांग्लादेश के बहुत सारे लोग हैं, श्रीलंका तमिल्स, जो कि आपको याद होगा एलटीटी के साथ जो हमारा काफी अटैक हुआ था 1990s के आसपास में, काफी ज्यादा वॉर भी हुई थी, सिविल वॉर हो गई थी, इन सब के जितने भी रेफ्यूजीज वगैरह थे वो कहां आए थे, दे केम टू इंडिया। सिमिलरली अभी के टाइम में अगर आप और ज्यादा रिसेंट को समझेंगे तो नेपालीज, अफगानिस्तान, रोहिंग्या कम्युनिटीज कहां आ रही है, दे आर कमिंग टू इंडिया। व्हाई आर दे कमिंग टू इंडिया, दे आर कमिंग टू इंडिया बिकॉज दे नो कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर उनको सेफ्टी मिल सकती है, जहां पर उनको सेफ्टी प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर आप हमारे पास में जाते हैं तो आपको फिर से समझ आएगा। देखिए ऑथर हमारे ये
बोलते हैं कि जो जो ये फैक्ट है कि हम लोग एक असाइलम प्रोवाइडिंग कंट्री है, मतलब हम सामने वाली कंट्री की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ये हमारे साइक के अंदर है, मतलब हमारे ये माइंड के अंदर है, ये हमारे अंदर इनबिल्ट है। अगर आप हमारे पीछे जाएंगे, अगर मतलब बेसिकली अगर आप हमारे पास में जाकर देखेंगे तो हमारे पास दो एपिक्स है, वन इज रामायण, वन इज महाभारत। अगर आप दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या था, दोनों के अंदर कॉमन ये था कि जो प्रोटैगोनिस्ट था यानी कि जो हीरो था, दोनों के अंदर उनके साथ इनजस्टिस होता है, बोथ आर फोर्स इनटू एग्जाइल, मतलब दोनों को यहां पर एक रेफ्यूजी की तरह दूसरे कंट्री के अंदर रहना पड़ रहा है। अगेन रामायण में देखिए लॉर्ड राम जो है दे ही एक्चुअली उनको अपने मतलब जो अयोध्या वाला पार्ट था वहां से उनको हटा करके उनको एक वन के अंदर यानी कि एक फॉरेस्ट एरिया के अंदर उनको 14 इयर्स तक एग्जाइल में रहना पड़ा था। सिमिलरली महाभारत के अंदर जितने भी पांडव लोग थे उनको दे हैड टू मूव अवे फ्रॉम देयर जो भी उनका मतलब प्लेस था वहां से हट करके दे हैड टू मूव और एक दूसरे एरिया यानी कि फॉरेस्ट एरिया के अंदर जाकर उनको एक असाइलम में एक रेफ्यूजी की तरह रहना पड़ा था। तो वी हैव टू एपिक्स और दोनों एपिक्स के अंदर ही सिमिलैरिटी है, मतलब वहां पर हमने रेफ्यूजी के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब क्या है देखिए। और इसके अलावा अगर आप समझेंगे इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल्स में से वी हैव दीपावली, राइट। और दीपावली मतलब एक्जैक्टली है क्या, दीपावली को अगर आप एक दूसरे टर्म्स में समझेंगे, दीपावली एक्चुअली सेलिब्रेट्स द होम कमिंग ऑफ द रेफ्यूजीज, लॉर्ड राम के वापस आने के पर्सपेक्टिव में तो हम इस पर्टिकुलर चीज को मनाते हैं ना कि 14 इयर्स के बाद लॉर्ड राम जब वापस आते हैं अपने एग्जाइल से वापस आते हैं मतलब एज अ रेफ्यूजी, जब वो मतलब अपने रेफ्यूजी का टर्म्स कंप्लीट करके वो जो वापस आते हैं उसी चीज को तो हम सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज एक्चुअली व्हाट शोज के इंडिया के अंदर होम एंड होम कमिंग का जो कंसेप्ट है वो कितना स्ट्रांग है, इसीलिए इंडिया के अंदर जो रेफ्यूजी का कंसेप्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो हमने अपना पास देखा बेसिकली, तो क्या इसका ये मतलब है इंडिया एक बहुत ही नेचुरल लीडर है। देखिए नेचुरल लीडर इंडिया है, अगर आप इंडिया की जितने भी स्टेप्स देखोगे तो इंडिया एक बहुत ही नेचुरल लीडर है, बट द पॉइंट इज इंडिया हैज नॉट मेड एनी लॉ। व्हाई इज इंडिया नॉट मेकिंग एनी लॉ, द पॉइंट इज हम कोई लीगल फ्रेमवर्क क्यों नहीं बना रहे हैं, दिस इज मतलब बिगेस्ट क्वेश्चन। हमारे पास एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं है, एक हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है, इसके कारण कहीं ना कहीं हमारे पास एक क्लियर विजन नहीं है, हमारे पास एक क्लियर पॉलिसी नहीं है कि एक्जैक्टली हम जितने भी रिफ्यूजीज वगैरह हमको मैनेज कैसे कर सकते हैं, राइट। दिस इज द मेन थिंग। अगर आप हमारे इंडिया के करेंटली लॉज के बारे में बात करेंगे तो वी हैव कॉकटेल ऑफ लॉज, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट लॉज हैं बट वी डोंट हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ। समझिए हमारे पास फॉरनर्स एक्ट है 1946, वी हैव रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरनर्स एक्ट, वी हैव पासपोर्ट्स एक्ट, वी हैव एक्सट्रेडिशन एक्ट, वी हैव सिटीजनशिप एक्ट। आपको याद होगा इसी का एक यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट हुआ था 2019 के अंदर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट एक्ट 2019 हुआ था। इसके अलावा वी हैव फॉरनर्स ऑर्डर 1948, वी हैव सो मेनी लॉज बट वी डोंट हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ ऑन असाइलम्स एंड रेफ्यूजीज। एंड इन सारे के सारे लॉज के अंदर वी हैव ट्राइड टू क्लब ऑल द फॉरेन इंडिविजुअल्स और हमने उसको एक सिंपल टर्म दे दिया है, दैट वी सिंपली कॉल देम एलियंस। ठीक है, देखिए गिविंग अ सिंपल टर्म एलियन इज नॉट अ बैड थिंग, बट द पॉइंट इज वी शुड डेफिनेटली हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ जिसके थ्रू हम रेफ्यूजीज को यहाँ पर प्रॉपर्ली मतलब संभाल सकते हैं, उनको प्रॉपर्ली मैनेज कर सके। देखिए समझिए, इंडिया के पास ना ही कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसको इंडिया ने साइन कर रखा है, ना ही इंडिया के पास अपना कोई डोमेस्टिक लेजिस्लेटिव मतलब फ्रेमवर्क है। तो अभी तक जितने भी रेफ्यूजीज का प्रॉब्लम आया है उसको इंडिया ने बहुत ही टेम्पररी यानी कि एडहॉक मैनर पर सॉल्व करने की कोशिश की है, और जितने भी रेफ्यूजीज वगैरह हैं सबके ऊपर एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि हो सकता है कि उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। सिमिलर एग्जाम्पल रोहिंग्यास का देखिए, उनको डिपोर्ट कर दिया गया, चकमा कम्युनिटी को जो डिपोर्ट करने की बात की जा रही है, जो म्यांमारीज कम्युनिटी उनको डिपोर्ट करने की बात की जा रही है, बट द पॉइंट इज कि इंडिया तो हमेशा असाइलम प्रोवाइड करता है ना, तो इंडिया इनको वापस डिपोर्ट क्यों कर रहा है। द क्वेश्चन कम्स कि एग्जैक्टली रेफ्यूजीज को और क्या चाहिए। देखिए हम यहाँ पर हमेशा अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, हमेशा हमेशा बात करते रहते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर ये बात करते हैं कि रेफ्यूजी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। देखिए अगर इंडिया के अंदर मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर रेफ्यूजी आता भी है तो क्या हम उसे सिर्फ सेफ रख रहे हैं, मतलब क्या उनको सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, क्या उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। देखिए जस्ट थिंक अबाउट दिस, दे ऑल्सो नीड एक्सेस टू द बेसिक पब्लिक सर्विसेज, ऑब्वियसली उनको खाना चाहिए, पीना चाहिए, एक जॉब चाहिए, दे नीड जॉब्स, दे नीड लाइवलीहुड ताकि वो अपने आप को यहाँ पर प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकें। इंडिया के नॉट कीप प्रोवाइडिंग देम फूड एंड वाटर एवरी सिंगल डे, उनको एक लाइवलीहुड अगर हम प्रोवाइड कर देंगे तो सिंपल उनके पास एक सोर्स ऑफ इनकम आएगा एंड दे कैन डायरेक्टली अर्न फॉर देमसेल्व्स। लेकिन इन सब चीजों का जो एब्सेंस है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बिकॉज हमारे पास रेफ्यूजी का एक लॉ ना होने के कारण जितने भी लोग हैं दे आर बीइंग वल्नरेबल, और कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो प्रॉब्लम है वो रेफ्यूजीज के अंदर काफी ज्यादा देखा जा रहा है, मतलब जहां पर एंटी सोशल ग्रुप जो है वो मतलब रेफ्यूजी के बहुत सारे लोग उठाते हैं और उनके थ्रू काफी सारा यहां पर एंटी सोशल एलिमेंट्स यानी कि जो बहुत सारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह के केसेस है वो यहां पर देखे गए। नाउ यहां पर जो हमारे ऑथर है वो ये बोलते हैं वी कैन एंड मस्ट एंड डू वी शुड डू बेटर, हम यहां पर और अच्छा कर सकते हैं और हमें डेफिनेटली अच्छा करना चाहिए, हमें यहां पर नेशनल असाइलम लॉ बनाना चाहिए। अगर राइट नाउ अगर आप इंडिया को समझेंगे, इंडिया के अंदर ऑलरेडी 2 लाख से ज्यादा रेफ्यूजीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट। और देखिए हमारे कैसे कंट्री है मतलब जहां पर हमारा अगर जो अगर आप ट्रेडिशंस देखेंगे, वी हैव अ वेरी प्राउड ट्रेडिशंस जहां पर हमने डिफरेंट कम्युनिटीज को यहां पर पास्ट के अंदर सेव किया हुआ है, हमने उनको एक प्रॉपर रेफ्यूजी एक उनको प्रॉपर असाइलम प्रोवाइड किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद अगर हमारे पास एक एक प्रॉपर लॉ नहीं है तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो हमें बहुत सीरियस नहीं ले रही है,
ठीक है, इस चीज को हमें समझना है। देखिए अगर आप यहां पर एक सेकंड पर्सपेक्टिव देखेंगे तो एक चीज समझिए कि इंटरनेशनल लॉज जो होते हैं स्पेशली जो वो यूनाइटेड नेशन वाला जो लॉ है दैट इज नॉट मतलब एक टाइप का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको कर लेंगे तो आपको कंपलसरीली कुछ चीजें करनी पड़ेगी, उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इट इज जस्ट फॉर द नेम सेक, आप उसको सिंपली नाम मतलब उसको आप कीजिए ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर आपकी जो इमेज है जो आपका जो इंपॉर्टेंस है वो चीज और ज्यादा इंक्रीज हो। अगर आप एक रेफ्यूजी लॉ को बनाते हैं तो इसका यह मतलब नहीं होगा कि हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी से पूरी तरीके से बाउंड हो जाएंगे, हम अपना कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बिकॉज दैट इज नॉट मैंडेटरी, वो सिंपली एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है। अगर आप उसको एक्सेप्ट करते भी है तो आपके ऊपर मतलब किसी भी टाइप का बाउंडेशन यहां पर नहीं आने वाला है। Now, हम मतलब बेसिकली हम इंडिया को समझते हैं और तरह यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एग्जांपल देते हैं कि पिछले कुछ सालों से सुप्रीम कोर्ट जो है उसने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। देखिए उससे पहले आपको एक चीज समझना है कि इंडिया जो है अब वो एक मतलब रूल टेकर नहीं रहा। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखेंगे तो इंडिया एक रूल मेकर की तरह यहाँ पर इमर्ज हो रहा है, मतलब इंडिया अब रूल्स बनाता है, इंडिया सिर्फ दूसरे कंट्री के बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं करता है। अगर आप हमारे जुडिशियल को समझेंगे तो 1996 के अंदर हमारे यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो जजमेंट आया था उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि ऑल द स्टेट्स किसी भी स्टेट के अंदर अगर कोई भी रिफ्यूजी कम्युनिटी आती है तो उसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना इस पर्टिकुलर स्टेट का काम है, हमारी कंट्री का काम है। मतलब किसी भी कंट्री से वो लोग क्यों ना आए हो, पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान कहीं से भी आए हो, उन सबको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना ये हमारा काम है, बिकॉज एवरी सिंगल पर्सन को आर्टिकल 14, 20 एंड 21 इन सबके अंदर अंडर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। नाउ जस्ट रिमेंबर कि आर्टिकल 14, 20, 21 ये ऐसे आर्टिकल्स हैं व्हिच हैव बीन प्रोवाइडेड नॉट जस्ट टू द जो इंडियन सिटीजन है बट टू द ऑल। इसका मतलब क्या है, ऑल रेफ्यूजी कम्युनिटी जो कि इंडिया के अंदर आ रही है उनके पास आर्टिकल 14 है, 20 है, 21 है। द क्वेश्चन कम्स व्हाट इज 40, 20 एंड 21। देखिए 40 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो कि दूसरे कंट्री के अंदर से भी मतलब अगर कोई पाकिस्तान का पर्सन है वो भी अगर इंडिया के अंदर आके एक रेफ्यूजी की तरह रह रहा है तो उसको भी इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रोवाइड की जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि उसको बहुत ही आर्बिट्री मैनर में उसको ट्रीट किया जाएगा, उसको एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड किया जाएगा। सिमिलरली वी हैव आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको एक प्रॉपर कन्विक्शन मतलब उसको कन्विक्ट करने से पहले आप उसको प्रॉपर एक टाइप के राइट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, उसको बताएंगे कि क्यों उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑल्सो अवेलेबल टू ऑल फॉरनर्स ऑल्सो, एंड सिमिलरली वी हैव राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट इज आर्टिकल 21 दैट टॉक्स अबाउट कि हर एक पर्सन की जो लाइफ की मीनिंग है, जो इंडिविजुअल लाइफ की मीनिंग है, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वी प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर राइट नॉट जस्ट टू आर इंडियन सिटीजन बट ऑल्सो टू द फॉरनर्स। नाउ अगर आप हमारे पीछे समझेंगे 1995 के अंदर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक यहां पर स्टेप लिया था जिसके थ्रू जो चकमा कम्युनिटी को जो रेफ्यूजीज थी उस टाइम इंडिया उनको रिपोर्ट कर रही थी बट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रोक दिया। नाउ देयर वाज अ थिंग कॉल्ड एज एनएचआरसी वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश केस, इसके थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट ने चकमा रेफ्यूजी के जो मतलब जितने भी ट्रांसपोर्टेशन था जो उनका डिपोर्टेशन था उनको पूरी तरीके से रोक दिया था। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसके अंदर यह बोला गया था कि जो भी अगर कोई रेफ्यूजी कम्युनिटी इंडिया के अंदर आती है तो पहले उनका एक एप्लीकेशन बनाया जाएगा, ठीक है, एक एप्लीकेशन लिखा जाएगा जिसके अंदर वो काफी सारी की सारी डिटेल्स होंगी, उसके बाद उसको प्रॉपरली प्रोसेस किया जाएगा, और जब तक ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रॉपरली प्रोसेस नहीं हो जाता और एक फाइनल डिसीजन नहीं बन जाता है कि एक पर्टिकुलर रिफ्यूजी को उनके मतलब हमारी कंट्री से हटाना है फिर नहीं हटाना है, तब तक उनको इवेक्ट करना सही नहीं होगा, तब तक उनको हमारी कंट्री से हटाना सही नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप इन चीजों को समझ गए। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द एंड, फाइनली ऑथर क्या बोलते हैं। देखिए ऑथर ये बोलते हैं कि इंडिया शुड बी अमंग द ऐसे कंट्रीज जो कि सबसे ज्यादा एडमायर होते हैं, और इंडिया ने ऐसे काम किए हैं, इंडिया ने ऐसे ही मतलब पास्ट में ऐसे काम कर रखे हैं जिसके लिए हमें इस पर्टिकुलर फील्ड में एडमायर करना चाहिए, बट डिफरेंट कंट्रीज हमारी इस पर्टिकुलर फील्ड में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं फील करती है बिकॉज इंडिया ने अभी तक कोई भी ऐसा नेशनल लॉ या फिर इंटरनेशनल लॉ को साइन नहीं किया, ठीक है। अगर आप समझेंगे कि जितने भी रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम्स हुई है उन सबको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं, जस्ट एक चीज हमने नहीं किया है वो है हमने कोई भी लॉ साइन नहीं किया। तो देखिए एक लॉ साइन करना इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी काइंड ऑफ थिंग, क्यों इंडिया साइन नहीं करती है, फिर इंडिया को सिंपली एक नेशनल लॉ बना लेना चाहिए, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में देखिए अभी इंडिया के अंदर एक मतलब एक वर्ल्ड के अंदर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड यहां पर एग्जिस्ट हो रहा है, और इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर का जो एक पोल है ना वो इंडिया खुद भी है। तो इंडिया अगर एक पोल की तरह इमर्ज हो रहा है तो इंडिया को डिफरेंट स्फीयर्स के अंदर अपने पावर को असर्ट करने की कोशिश करनी होगी, और उसके अंदर जो रेफ्यूजीज वाला पार्ट है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सिर्फ हमारे इंडिया के खुद के लेवल पे नहीं बट ग्लोबल स्टेज के ऊपर भी ये पर्टिकुलर चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए इंडिया का एक फाइनेस्ट ट्रेडिशन रहा है, पीछे हमने बात की रामायण महाभारत, जो ज्यूश की कम्युनिटीज, जो बेबीलोन की कम्युनिटीज जो थी, डिफरेंट कम्युनिटीज को हमने हमेशा सेव करने की कोशिश की, हमने उनको हमेशा रिफ्यूजीज प्रोवाइड किया है, हमने अपने स्टैंडर्ड्स को काफी ज्यादा इंप्रूव करके रखा हुआ है। नाउ दिस इज द टाइम दैट वी नो स्टैंड फॉर ourselves, हमें यहाँ पर एक इंटरनेशनल सिटीजन, एक गुड इंटरनेशनल सिटीजन बनना है ताकि एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड जो यहाँ पर इमर्ज हो रही है उस चीज के हम मतलब अंदर हम अपनी इमेज को और ज्यादा इंप्रूव कर सकें। Now, this is a very worthwhile aspiration for all of us. देखिए every single Indian, अगर आप हर एक इंडियन को समझेंगे ना तो हर एक इंडियन के मतलब मन के अंदर कहीं ना कहीं आपके मेरे every single person, they have some thing for the humanity. वो हर एक पर्सन का कुछ ना कुछ अच्छा चाहते हैं, हमेशा भला चाहते हैं। Now, if we want this particular thing, we should make a law, और उस चीज को हमें properly एक law abiding citizen की तरह हम उसे follow करना चाहिए। The final points is कि इंडिया अगर एक विश्व गुरु बनना चाहता है तो we should behave like one. यानी कि अगर हम एक विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो हमें वो सारे काम करने होंगे जो कि एक विश्व गुरु करता है। We need to
टू यू नो टीच डिफरेंट कंट्रीज, बट आपने एक स्टेटमेंट डेफिनेटली सुना होगा, बिफोर कमांडिंग अदर्स लर्न टू कमांड योर सेल्फ. इट मीन्स कि दूसरे कंट्री को अगर हम किसी भी टाइप का दूसरे टाइप का कोई भी ज्ञान देते हैं, कोई भी हम उन्हें स्टेप्स करने के लिए बोलते हैं, बिफोर दैट वी आर सेल्फ मस्ट डू दैट पर्टिकुलर स्टेप. ये था हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल. आई होप आपको ये चीज काफी डिटेल के अंदर प्रॉपरली समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन. यहां हम बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक रिसेंट न्यू टर्म आया है, दैट इज कॉल्ड एज एबीसी, दैट मीन्स एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स. क्या है एक्जैक्टली इसके बारे में समझेंगे. नाउ अगेन दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम GS2, जहां पर हमें इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर के बारे में बात करना होता है, जिसके अंदर एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, तो इसके बारे में हम GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे. समझते हैं, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. कॉन्टेक्स्ट यह है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, आपको याद होगा 2020 के अंदर जिसको स्टार्ट किया गया था, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो यहाँ पर फोकस किया गया था, दैट वाज ऑन हायर एजुकेशन. और हायर एजुकेशन को किस तरीके से हम स्टूडेंट सेंट्रिक बना सकते हैं, मतलब बच्चों को और ज्यादा कैसे हम कंट्रोल दे सकते हैं और कैसे उसको और ज्यादा मल्टी डिसिप्लिन बना सकते हैं, उस चीज के ऊपर और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए इस पर्टिकुलर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया था. तो इसी पर्टिकुलर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को और ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट बनाने के लिए रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी कि एबीसी नाम की एक स्कीम को लॉन्च किया. दिस पर्टिकुलर Scheme has been launched exclusively by UGC, यानी कि University Grant Commission ने उसको launch किया है और इसको recently इसको notify किया गया. Now यह है क्या? UGC जो है एक type का positive disruption है, जहाँ जो कि इस particular field के अंदर एक betterment लाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन author का यहाँ पर कहना ये है कि क्या ये betterment लाएगा या फिर ये chaos create कर देगा? इस चीज़ के ऊपर हम इस particular tutorial के अंदर बात करने वाले हैं. Now before going ahead, सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके पीछे का idea क्या है, ABC exactly है क्या? Now समझते हैं. देखिए idea बहुत ही simple है. आइडिया यहाँ पर ये बोलता है कि मान लीजिए कोई भी अंडर ग्रेजुएट पर्सन है, यानी कि कोई यूजी है या फिर कोई पीजी है, यानी कि कोई पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन है. अब मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर पर्सन जब वो अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, तो सिंपल क्या करना, एक एबीसी पोर्टल नाम का एक चीज होगा. ठीक है, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स नाम का एक पोर्टल होगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ की वेबसाइट पर मिलेगा. आपको सिंपली उस पोर्टल पर जाना है और अपने आपको रजिस्टर करना है, अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है. जो आपने वो अकाउंट क्रिएट कर दिया, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सिंपली स्टोर इन्फॉर्मेशन कि आपने कौन कौन से कोर्सेस अभी तक कंप्लीट कर रखे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने मतलब अभी तक किए हुए हैं, कौन कौन से पेपर आपने दिए हुए हैं, एवरी सिंगल थिंग. जो भी चीज आप इसके अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं, एवरी सिंगल थिंग आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, और साथ ही साथ किसके अंदर आपको कितने ग्रेड्स वगैरह मिले हैं, एवरी सिंगल थिंग यू कैन स्टोर इन दिस पर्टिकुलर थिंग. नाउ जो भी डेटा आप इसके अंदर स्टोर करोगे, वो सारी के सारी ग्रेड्स, वो सारी इन्फॉर्मेशन, दे विल बी स्टोर्ड फॉर 5 years, मतलब 5 सालों के लिए सब चीजें स्टोर हो जाएंगी. नाउ इसका मतलब क्या है, इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम सिंपल सी चीज ये है कि मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है जो सपोज कि एक पर्टिकुलर ग्रेजुएशन उसने कर लिया, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से उसने ग्रेजुएशन कर लिया, बट ही वॉन्ट्स टू लर्न मोर अबाउट एक दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, तो वो इजिली क्या करेगा, अपने कंप्लीटेड क्रेडिट्स को यूज करके, मतलब अपने जो भी इसके जो कम्युनिटीज वगैरह जो भी इसने चीजें यहाँ पर इनरोल की है, उसके अलावा डिफरेंट न्यू यूनिवर्सिटीज के अंदर सिंपली इनरोल कर सकता है और जाकर वहां पर काम कर सकता है. नो किस तरीके से वो काम करता है उसको हम समझते हैं. देखिए समझिए इस चीज कि किस तरीके से डूइंग मोर कोर्सेस काम करेगा. नाउ देखिए एबीसी पोर्टल जो है इसके थ्रू सिर्फ बच्चे ही नहीं बट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, वो सभी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे. इसके थ्रू क्या होगा, जस्ट सपोज कि यूनिवर्सिटी ए है, यूनिवर्सिटी बी है, बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज मतलब यहाँ इसके अंदर इनरोल्ड है. तो जस्ट सपोज कि जैसे आप है, ठीक है, सपोज देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एस एबीसी. नाउ इफ देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एस एबीसी और अगर आप एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ए से अगर कोई कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप ए से कोई कोर्स कर रहे हैं, जस्ट सपोज कि एक से करने के साथ में आपको ऐसा लगता है कि दूसरी कोई दूसरी यूनिवर्सिटी है जो कि बी यूनिवर्सिटी है, जो कि एक दूसरे कोर्स को काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट कराती है, उसके फिर उसके फैकल्टी काफी अच्छी है, तो आप बी के थ्रू भी मतलब एबीसी पोर्टल के थ्रू बी यूनिवर्सिटी के अंदर भी उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए खुद को एनरोल करा सकते हैं. सिमिलरली अगर आप जस्ट सपोज आपको ऐसा लगता है कि सिमिलरली एक तीसरी कॉलेज है, दैट इज कॉल्ड कॉलेज सी, और उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर कोई थर्ड फैकल्टी है जो कि एक पर्टिकुलर चीज को काफी अच्छे से पढ़ाती है, तो यू कैन सिंपली एनरोल इट इन सी ऑल्सो. यानी कि आप एक बार में यूनिवर्सिटी ए, यूनिवर्सिटी बी और यूनिवर्सिटी सी तीनों के अंदर एनरोल कर सकते हैं और तीनों के अंदर ही अपने कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं, और इन सब के जितने भी डिग्रीज वगैरह है यू विल गेट देम ऑन एबीसी पोर्टल. ठीक है, आई होप आप मेन चीज समझ गया. अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. जस्ट सपोज कि आप मुंबई के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, और मुंबई के अंदर आप एक किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज से एक सिंपल सा बीएससी का फिजिक्स का कोर्स कर रहे हैं. ठीक है, लेट्स टेक दिस एज एग्जांपल. जब आप बीएससी फिजिक्स का कोर्स कर रहे हैं और जस्ट सपोज कि आप बीएससी फिजिक्स के साथ साथ एक न्यूक्लियर फिजिक्स का कोर्स करना चाहते हैं, बट आपकी कॉलेज इस पर्टिकुलर कोर्स को डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करती है, मतलब ऑफर नहीं करती है, मतलब उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स का कोई भी कोर्स प्रेजेंट नहीं है, बट यू कैन डू दिस. मतलब कैसे, देखिए आप सिंपली एबीसी पोर्टल के ऊपर जाएंगे और वहां पर आप अपने आपको एनरोल कराएंगे. मान लीजिए कि जैसे आप मुंबई के अंदर, तो मुंबई के अंदर ही कोई आपके आसपास का कोई दूसरा कॉलेज जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स का आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, आप सिंपली जाकर उसको एनरोल करा सकते हैं, सिंपल बात. या फिर आप सिंपली कोई ऑनलाइन कोर्सेज को मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पोर्टल्स वगैरह प्रेजेंट है जो कि आपको न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर कोर्स करा देगा. तो आई होप आपको मेन बेसिक फंडा समझ आ गया कि अगर आप एक कोर्स ऑलरेडी कर रहे हैं और कोई दूसरी कोर्स जो कि आप करना चाहते हैं बट आपके कॉलेज के अंदर वो चीज ऑफर नहीं की जा रही है, तो यू कैन डायरेक्टली गो इनटू मतलब इस पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर और आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है. यू कैन सिंपली गो टू कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि आपके आसपास है और वहां पर जाकर आप उसको मतलब उसके अंदर एक दूसरे कोर्सेज के अंदर एनरोल करा सकते हैं और उसकी डिग्री आपको एबीसी पोर्टल के ऊपर मिल जाएगी.
नाउ इन द लास्ट वी टॉक्ड अबाउट दिस ऑनलाइन कोर्सेज. देखिए हम समझते हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज कहाँ कहाँ से मिल सकती है. वी हैव टू डिफरेंट पोर्टल जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया. वन पोर्टल कॉल्ड एज स्वयं पोर्टल एंड सेकंड इज कॉल्ड एज नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग एनपीटेल. तो स्वयं और जो एनपीटेल है ये दोनों ही ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप सिंपली ऑनलाइन उस पर जाइए, ठीक है, मतलब एबीसी पोर्टल को एनरोल कीजिए, स्टार्ट कीजिए, उसके थ्रू अपने आपको स्वयं पोर्टल और एनपीटेल पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कीजिए, सिंपली फी पे कीजिए एंड यू कैन डायरेक्टली यू नो ज्वाइन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज. आई होप आपको ये चीज प्रॉपरली समझ आ रही. नाउ दिस सपोज कि जैसे मैं हूं और मैंने बीएससी फिजिक्स स्टार्ट किया, ठीक है, उसके साथ में मान लीजिए मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स का कोर्स भी स्टार्ट कर दिया. आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल्स, ठीक है, अगर मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स का यहां पर एग्जांपल स्टार्ट कर दिया, अब इस दोनों कोर्स के साथ साथ मैं चाहता हूं कि मैं थर्ड कोई चीज भी करूं जिसके थ्रू मतलब मैं एक हॉबी की तरह अपने आपको डेवलप करना चाहता हूं. जस्ट सपोज कि मैं एक तमिल लिटरेचर करना चाहता हूं, ठीक है, जस्ट सपोज, तो मैं एक तमिल लिटरेचर का एक थर्ड कोर्स एक तीसरी कॉलेज से कर सकता हूं. आई होप आप समझ रहे हैं. बीएससी फिजिक्स में एक दूसरी कॉलेज मतलब फर्स्ट कॉलेज से कर रहा हूं, न्यूक्लियर फिजिक्स में सेकंड मतलब कॉलेज से कर रहा हूं और तमिल लिटरेचर में थर्ड कॉलेज से कर रहा हूं. जस्ट सपोज कि तमिल लिटरेचर के साथ में एक आर्कियोलॉजी का कोर्स भी करना चाहता हूं ऑनलाइन कोर्सेज में, तो मैंने आर्कियोलॉजी के अंदर भी खुद को एनरोल करा लिया. नाउ द पॉइंट इज कि ओनली स्काई इज द लिमिट, मतलब जितना बच्चा मतलब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जितना खुद मतलब चीजें सीखना चाहता है, जितनी वो अपनी पोटेंशियल को समझता है उतने कोर्सेज समझ सकता है. देखिए मैंने आपको यहां पर मल्टीपल कोर्सेज का एग्जांपल इसलिए दिया है ताकि आप समझ पाए कि इसके अंदर कोई भी लिमिट्स नहीं है. ऐसा नहीं कि आप एक नंबर ऑफ कोर्सेज यहां पर अचीव कर सकते हैं. यू कैन यू नो टेक यू कैन अपटेक एनी नंबर ऑफ कोर्सेज. इसका मतलब क्या है, आप बीएससी न्यूक्लियर फिजिक्स यहां पर जो तमिल लिटरेचर है आर्कियोलॉजिकल है, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी कुछ भी आप चाहे तो यहां पर पढ़ सकते हैं. समझिए इस चीज को, इसके थ्रू क्या होगा, एजुकेशन इट विल ट्रूली बिकम फ्लेक्सिबल और इंटरडिसिप्लिनरी. आई होप आपको इसका मतलब समझ आ गया. फ्लेक्सिबल क्यों, आप कोई भी कोर्स कभी भी जाकर कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर आपको न्यूक्लियर फिजिक्स समझना है तो आपको एक एज ग्रुप दिया हुआ है कि 21 से 30 के बीच में आप कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल, यू कैन सिंपली गो एंड एनरोल योरसेल्फ एनी टाइम यू वांट. सेकंड चीज, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब यहां पर देखिए आप बीएससी फिजिक्स के साथ एक न्यूक्लियर फिजिक्स कर रहे हैं मतलब विच इज हाईली टेक्निकल, और साथ में आप आर्कियोलॉजी कर मतलब आर्कियोलॉजी कर रहे हैं और साथ में आप तमिल लिटरेचर कर रहे हैं विच आर टू डिफरेंट स्ट्रीम्स. तो समझ रहे हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी है, दो डिफरेंट डिसिप्लिन को आर्ट्स कॉमर्स साइंस एवरी सिंगल डिसिप्लिन को एक साथ लेकर आएगा और सबको एक साथ पढ़ाने की कोशिश करेगा. नाउ अगेन इसको समझिए, जस्ट सपोज कि आपको इस पर्टिकुलर एबीसी पोर्टल से पहले आपको ये सारी की सारी कॉलेज मतलब सारी की सारी कोर्सेज एक जगह पे करनी थी, तो उसके लिए आपको कोई ऐसा कॉलेज ढूंढना पड़ता है जिस एक पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर आपको बीएससी फिजिक्स भी मिल जाए, उसके अलावा आपको न्यूक्लियर फिजिक्स भी मिल जाए, उसके अलावा आपको आर्कियोलॉजी मिल जाए और आपको उसके अलावा तमिल लिटरेचर मिल जाए. राइट, ये चारों आपको जहां मिलते वहीं पर आपको ये चीज करनी पड़ती. तो वहां पर बहुत सारे डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह था उनके ऊपर ये फोर्स किया जाता था, मतलब उनको ये बेसिकली एक टाइप का उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज को प्रोवाइड करें. बट द पॉइंट इज कि राइट नाउ अब देखिए एक पर्टिकुलर पर्सन डिफरेंट इंस्टीट्यूट से सिंपली पढ़ सकता है, तो यहां पर एक इंस्टीट्यूट के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा. मतलब सिंपल एक सिंगल इंस्टीट्यूट को डिफरेंट कोर्सेज को यहां पर स्टार्ट करने के लिए कोई भी प्रेशर झेलना नहीं पड़ेगा. आई होप आपको ये चीज काफी डिटेल के अंदर प्रॉपर्ली समझ आ रही है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आगे यहां पर क्या है. अब यहां पर एक और पॉइंट समझते हैं. देखिए जस्ट सपोज कि आपने जैसे आप मुंबई के एक नॉर्मल कॉलेज से, ठीक है, मान लीजिए कॉलेज का नाम है आपका एबीसी, वहां से आप एक पर्टिकुलर कोर्स को कर रहे हैं. नाउ जस्ट सपोज कि आप एक दूसरा कोर्स जो करना चाहते हैं यू मतलब वो आपका कॉलेज ऑफर तो कर रहा है, मतलब जस्ट सपोज कि एक दूसरा कोर्स है, जस्ट सपोज कि बीएससी इन केमिस्ट्री है, ठीक है, आप बीएससी इन केमिस्ट्री करना चाहते हैं और आपका कॉलेज जो ये ऑफर कर रहा है, बट यू सी कि आसपास कोई दूसरी आईआईटी है, आईआईटी जस्ट सपोज आईआईटी बॉम्बे है. नाउ आईआईटी बॉम्बे के अंदर केमिस्ट्री की फैकल्टी इज टू गुड. नाउ आप चाहते हैं कि अपने बीएससी केमिस्ट्री को आप आईआईटी से करें, तो आपके पास ये चांस भी होगा. इसका मतलब क्या है, एबीसी पोर्टल के थ्रू यू कैन डायरेक्टली गो एंड एनरोल योरसेल्फ टू आईआईटी बॉम्बे और सिंपली उसके थ्रू आप अपना बीएससी केमिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं. ऑब्वियसली बात है, देखिए आप डायरेक्टली जाकर आईआईटी के अंदर ऑब्वियसली एनरोल नहीं करेंगे, देयर विल बी सम प्रोसीजर्स, बट द पॉइंट इज कि दिस पर्टिकुलर पोर्टल अलाउज यू टू डू दैट. मतलब ये डायरेक्टली आपको आईआईटी तक का जो एक्सपोजर है वो प्रोवाइड कर सकता है, बट ऑब्वियसली बात है देयर आर सम प्रैक्टिकल हर्डल्स. नाउ दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें समझना है कि ये देखिए ये लॉ बन तो गया है एबीसी के ऊपर, बट क्या ये चीज प्रैक्टिकल है, क्या ये हमें एक सच में इतने सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. जो ऑथर है यहां पर उन्होंने मल्टीपल हेड्स के अंदर इसके प्रॉब्लम्स को समझाने की कोशिश की है. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज द मैसिव नंबर ऑफ एप्लीकेशंस. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. जस्ट सपोज कि एक नॉर्मल कॉलेज है एबीसी कॉलेज एंड देयर इज सेम सिटी के अंदर बहुत ही पास में एक आईआईटी है, तो अगर आपके पास ऑप्शन होता है तो आप कहां से अपने किसी भी कोर्स को कंप्लीट करना मतलब करना चाहेंगे, फ्रॉम एबीसी कॉलेज या फिर आईआईटी कॉलेज से. ऑब्वियसली बात है फ्रॉम आईआईटी कॉलेज. तो जस्ट सपोज कि आईआईटी के अंदर देखिए अब ये तो बहुत ही नॉर्मल से चीज है कि आईआईटी के अंदर जो एप्लीकेशंस होंगी बहुत ज्यादा होने वाली है. राइट, आईआईटी बहुत ही फैबुलस टीचर्स होते हैं, वहां पर जो स्टाफ होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज्यादा यू नो मतलब जो ऐसे स्टाफ होते हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझा सकते हैं. द पॉइंट बीइंग आईआईटी के जो स्टाफ मतलब जो ऑब्वियसली जो टीचर्स होते हैं दे आर मच मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू नॉर्मल, ऐसा हम समझते हैं. ठीक है, अब देखिए तो हर एक पर्सन अगर आईआईटी के अंदर जाने की कोशिश करेगा तो आईआईटी के जो अंदर के जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. जस्ट सपोज कि इस चीज को फुलफिल करने के लिए यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक न्यू लॉ बनाती है जहां पर ये बोलती है कि एक पर्टिकुलर आईआईटी के अंदर, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, आईआईटी के अंदर मान लीजिए कि 20 सीट्स आपको हर साल यानी 20% सीट्स आपको हर साल इस एबीसी पोर्टल के थ्रू रजिस्टर करने होंगे.
ठीक है। तो देखिए ऐसा कोई भी तो लॉ बना नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जस्ट सपोज कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर जो भी आईआईटीज हैं, हर एक आईआईटी को अपने टोटल नंबर ऑफ सीट्स का 8 to 20% छोड़ना होगा, और ये सीट जो है वो जो ये हमारा पोर्टल है, एबीसी पोर्टल है, उसके थ्रू हम फिल करेंगे। जस्ट सपोज कि 20 सीट्स यहाँ पर हम मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100 ही है और उसमें से 20 सीट आपने छोड़ दी, और जस्ट सपोज कि 20 सीट आपने छोड़ तो दी बट आपके ऊपर 500 एप्लीकेशन आ गए, मतलब 500 डिफरेंट लोग जो है वो आईआईटी से जस्ट सपोज बीएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं। द पॉइंट इज कि आप इस 500 में से 20 कैसे चूज करेंगे, हाउ एग्जैक्टली हाउ, ठीक है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि ये हाउ वाला जो पार्ट है ना उसको ये पर्टिकुलर रेगुलेशन जो है वो पूरी तरीके से डील नहीं करता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये हो गई कि एप्लीकेशन का नंबर काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, तो एग्जैक्टली क्या मेथड चूज किया जाएगा, क्या कोई ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, क्या कोई एक पर्टिकुलर मतलब बेसिक का कोई ऐसी कोई मतलब ग्रेडिंग सिस्टम होगी, कुछ तो होगा जिसके थ्रू 500 में से सिर्फ 20 लोग चूज करेंगे। देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि 500 के 500 लोग को आप आईआईटी बुला लेंगे, तो फिर आईआईटी के एग्जाम्स जो जेईई के एग्जाम्स होते हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, राइट। तो इसी चीज को रोकने के लिए आपको नंबर ऑफ सीट्स तो आपको फिक्स रखनी पड़ेंगे। तो एक्जैक्टली कैसे आप उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ लोगों को चूज करने वाले हैं, दिस इज मतलब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नाउ सेकंड प्रॉब्लम इज एमओओसी, दैट इज कॉल्ड एज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। कौन कौन से कोर्सेज हमारे पास मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, वी हैव स्वयं पोर्टल एंड वी हैव एनपीटेल पोर्टल, जिसके बारे में हमने पीछे बात की। देखिए ये दोनों ही ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं काफी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप सिंपली जाकर एक स्वयं पोर्टल के ऊपर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कोर्सेज आप सीख भी सकते हैं। अब देखिए इन चीजों को ये जो डिफरेंट पोर्टल्स हैं इनको बनाया है इसलिए गया, इनको डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि इनके अंदर लार्ज एनरोलमेंट्स हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे भी अगर इसके अंदर आ जाएंगे तो ये पोर्टल अपने आप को स्टडी रख सकता है, उन सारे के सारे बच्चों को ये ऑनलाइन कोर्सेज जो है प्रोवाइड कर सकता है। नाउ यहां पर ये बात की गई है जैसे सपोज की आईआईटी है, ठीक है, आईआईटी के अंदर मान लीजिए टोटल 20 सीट्स हैं जैसे हमने पीछे बात की और इसके बदले में 500 एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो 20 लोगों को तो यहां पर चलो मिल गया, ठीक है, मतलब 20 लोगों को मिल गया। द क्वेश्चन इज हाउ, तो उस चीज को तो अलग से प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, बट जस्ट सपोज की 20 लोगों को मिल गया, जो 480 लोग जो बाकी जो सेम बीएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं वो कहां से करेंगे, तो दे कैन डायरेक्टली गो एंड एनरोल देमसेल्स ऑन मूक, यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यानी कि स्वयं पोर्टल के ऊपर या फिर एनपीटेल पोर्टल के ऊपर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और वहां से वो चीज बीएससी केमिस्ट्री कर सकते हैं। नाउ समझिए अगर वो यहां पर करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है, जो ये ऑनलाइन कोर्सेस है उसकी जो रेटिंग वगैरह काफी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मतलब इसका जो पढ़ाने का तरीका वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्पेशली दे शुड बी एज कंपेयर टू द जो आईआईटी है, मतलब अगर एक बच्चा आईआईटी के लिए खुद को अप्लाई कर रहा है और उसके बदले में अगर आप उसको स्वयं पोर्टल प्रोवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है स्वयं का जो लेवल है वो उस लेवल का होना चाहिए जो कि आपको आईआईटी प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस है कि जो मतलब कि ये शो कर सके जो ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वो आपको इतना अच्छा प्रोवाइड करते हैं। देखिए अभी हमारे पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो कि शो कर सके एग्जैक्टली किस तरीके का हमारे पास मतलब नंबर ऑफ जो असेसमेंट वगैरह हो रहे हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू कैसा हो रहा है। देखिए हमें चाहिए एक रिलायबल असेसमेंट, हमें एक एक्चुअली पता चल सके कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। अगर आप समझेंगे कि एग्जैक्टली असेसमेंट कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन है उसने स्वयं पोर्टल के थ्रू खुद को बीएससी केमिस्ट्री के लिए अपने आप को एनरोल कर रखा है, जब वो वहां पर पढ़ाई कर रहा है तो फाइनल जो उसका मतलब वो कोर्स कैसा है वो कैसे डिसाइड होगा एग्जामिनेशन के थ्रू, तो फाइनली यहां पर एग्जाम होगा, अब वो एग्जाम कैसे मतलब कनेक्ट कराएंगे। नो देखिए स्वयं पोर्टल के ऊपर कोई भी कॉलेज नहीं है, कोई भी प्रोफेसर्स नहीं है, कोई भी यहाँ पर ऐसे लोग नहीं है जो कि यहाँ पर टीचिंग कर रहे हो, सिंपली पॉइंट क्या है, सिंपली वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस है और वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू आप सिंपली यहाँ पर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। द पॉइंट इज कि फिर एग्जाम कौन यहाँ पे करवाएगा। एक चीज तो बहुत ही क्लियर है कि ऑफलाइन एग्जाम तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, पर प्लस स्वयं पोर्टल जो है उसके ऊपर करोड़ ऑफ बच्चे जो है एक साथ यहाँ पर फिल करते हैं, तो आप सबका एग्जामिनेशन ले नहीं सकते। सेकंड चीज ऑफलाइन अगर पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन पॉसिबल है। तो अगर ऑनलाइन पॉसिबल है तो ऑनलाइन कैसा, सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव। अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम लेंगे तो क्या होगा, अगेन आपको जो जितने भी बच्चे होंगे सबको यहां पर पेपर्स को अपलोड करना पड़ेगा, राइट, ऑनलाइन। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है चीटिंग की, प्रॉब्लम आती है फिर सारे के सारे पेपर्स को चेक कौन करेगा, अगेन असेसमेंट कैसे होगी, हर एक चीज की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर तो ओनली ऑप्शन जो बचता है दैट इज थ्रू एमसीक्यू, मतलब एक टाइप का एग्जामिनेशन। मतलब अगर आप बीएससी केमिस्ट्री का अपना कंप्लीट करते हैं कोर्स तो उसके बाद वो कोर्स से आपको कितना फायदा हुआ है चेक करने के लिए आपका एक एमसीक्यू बेस्ड मतलब टेस्ट हो सकता है। अगर आप समझ गए कि एमसीक्यू बेस्ड क्यों हो रहा है, नाउ एमसीक्यू इज द ओनली ऑप्शन, बट द पॉइंट इज कि क्या एमसीक्यू सच में एक ऑनेस्ट इंडिकेटर है जो कि प्रोवाइड कर सकता है कि आपको सच में बीएससी केमिस्ट्री का जो टोटल नॉलेज है वो आपको हुआ है फिर हुआ है। तो बीएससी केमिस्ट्री को अगर आप समझेंगे, इट टॉक्स अबाउट डिफरेंट थ्योरम्स, इट टॉक्स अबाउट डिफरेंट प्रूफ्स, इट टॉक्स अबाउट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। तो क्या आप सिर्फ कुछ एमसीक्यूज पूछकर ये पता कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन को सारी की सारी नॉलेज है कि नहीं है या फिर एक बेटर लेवल ऑफ नॉलेज है कि नहीं, राइट। इन सब प्रॉब्लम्स को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसके अलावा एक प्रॉब्लम यहां पर ये देखी जाती है कि अगर आपको समझना है कि एग्जैक्टली एक कोर्स कैसा है, मतलब एक पर्टिकुलर कोर्स कैसा है, तो आपको ये समझना है कि फाइनल असेसमेंट में बच्चे कैसे कर रहे हैं। तो एक चीज आपको समझना है कि मान लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर एक कोर्स के कोऑर्डिनेटर हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोर्स मतलब हमेशा चलता रहे और आपका कोर्स जो है लगातार डेवलप होता रहे, तो आप ये चाहेंगे कि आपके कोर्स के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले, ठीक है, डिस्पाइट मतलब द फैक्ट कि उन बच्चों को कुछ आता हो या फिर ना आता हो, पर आप उनको मार्क्स ज्यादा देना चाहेंगे बिकॉज आप ये शो करना चाहते हैं कि आपके जो कोर्स है उसके
उसके अंदर काफी अच्छे बच्चे, मतलब जो बच्चे हैं काफी अच्छा कर रहे हैं राइट, ये चीज शो करने के लिए। तो यहाँ पर देखा गया है बहुत सारे लोग, बहुत सारे कोऑर्डिनेटर जो है वो स्कोर यहाँ पर बहुत ज्यादा लिबरल कर रहे हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही फ्रीली यहाँ पर स्कोर प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही मतलब अपने कोर्स के ऊपर एक रोजी पिक्चर को पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि बच्चों को अभी भी बहुत ज्यादा चीजें नॉलेज इसके बारे में नहीं है, बट इसके बावजूद बच्चों के मार्क्स, जो मार्क्स वगैरह है वो काफी ज्यादा आते हैं। देखिए ये कोई हाइपोथेटिकल फियर नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये चीज अभी हो नहीं रहा है, ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस वगैरह हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये बोला है कि अगर कोई भी वो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस करवाएंगे तो उनके जो भी मार्क्स वगैरह होंगे उनको डायरेक्टली इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, पहले उस MOOC को पहले एडजस्ट किया जाएगा। एडजस्ट करने का मतलब क्या है, उनके मार्क्स को ऊपर या नीचे किया जाएगा, एंड मोर ओवर उनको ऊपर किया जाएगा, मतलब ये शो कर सके कि ज्यादातर बच्चे 90% ला रहे हैं, ज्यादातर बच्चे 95% ला रहे हैं, ज्यादातर बच्चे 80+% ला रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या ये सच में एक ट्रू इंडिकेटर होगा, क्या सच में शो कर पाएगा कि हमारे जो बच्चे हैं जो कि एक्चुअली डिफरेंट एजुकेशंस वगैरह को लेने की कोशिश कर रहे हैं कि सच में उनको डिफरेंट मतलब एजुकेशंस मिल रहा है फिर नहीं मिल रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर जो ABC पोर्टल है यहां पर एक और चीज बात करता है, वो बोलता है कि जितने भी ऐसे कोर्सेज जो कि हाई मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो अपने सारे के सारे कोर्सेज को ABC पोर्टल के ऊपर डाल सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि व्हिच इंस्टीट्यूशंस कैन बी कॉल्ड एज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। आप IIT को बोल सकते हो, ठीक है, समझ आया, आप NITs को बोल सकते हो, बट द पॉइंट इज कि जो बाकी जितने भी जो कॉलेजेस वगैरह हैं आप उनमें से कैसे डिसाइड करोगे कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कौन-कौन से हैं। Now, तो यहां पर जो NAAC नाम की हमारी बॉडी है, NAAC का मतलब होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो NAAC जो है ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज वगैरह को प्रॉपरली असेस करता है, चेक करता है, उनके लेवल को चेक करता रहता है। तो उन्होंने ये बोला कि वो क्या करेगा, NAAC क्या करेगा, वो हर एक साल कॉलेजेस को, डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को प्रॉपरली मतलब एक टाइप का ग्रेड करेगा, ठीक है, और वो सारे के सारे यूनिवर्सिटीज जिनको ए ग्रेड मिला है या फिर ए मिला है फिर ए प्लस मिला है, ये सारे के सारे यूनिवर्सिटी दे विल बी कॉल्ड एज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आई होप आप समझ गए कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन सा होता है इंडिया के अंदर, वो सारे के सारे यूनिवर्सिटीज या फिर कॉलेजेस जिनको NAAC यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नाम की एक बॉडी है जो उनको ए ग्रेड करती है, मतलब ए या फिर ए प्लस का ग्रेड मिलता है, दे विल बी कॉल्ड एज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और वो सारे इंस्टीट्यूशन जो कि ए से नीचे यानी कि जिनको बी बी प्लस सी सी प्लस ऐसा कुछ भी मिला हुआ है, दे विल नॉट बी कॉल्ड एज हायर। इसका मतलब क्या है, बी बी प्लस वाले सी सी प्लस वाले वो लोग अपने कोर्सेस को मतलब इसके ऊपर नहीं डाल पाएंगे। नाउ नहीं डाल पाएंगे तो ऑब्वियसली वहां पर बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली उनकी जो रेशियो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। तो इसलिए सारे के सारे जितने भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज है वो चाहते हैं कि उनको ए या फिर ए प्लस का ग्रेड मिले। अब समझिए ए या फिर ए प्लस का ग्रेड कैसे मिलेगा एग्जैक्टली, NAAC के जो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं वो क्या है। देखिए एक क्राइटेरिया ये है कि आपको अपने जितने भी यूनिवर्सिटीज के स्टैटिस्टिक्स है, जितने बुक कीपिंग है, उसको आपको प्रॉपरली एक क्लैरिकल मेथड से रखना होगा, बहुत अच्छे तरीके से रखना होगा, मतलब समझ रहे हैं। NAAC जो ये बॉडी है ये किसी यूनिवर्सिटी को कौन सा ग्रेड देगा वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि बच्चों के मार्क्स कितने अच्छे हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने अच्छे तरीके से अपने अपने पेपर्स को, अपने फाइल्स को, अपने जो भी आपके रिकॉर्ड्स वगैरह आपने कितने अच्छे तरीके से उनको मतलब संभाल के रखा हुआ है। समझिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को अगर ग्रेड ए चाहिए तो वो इस बात पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि उनको मतलब बच्चों को ज्यादा अच्छे से मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करें, वो इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से वो ना अपने रिकॉर्ड बुक्स को ज्यादा अच्छे से वो कर सके, स्ट्रॉन्ग कर सके, अपने कंप्लायंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे कर सके। मतलब पॉइंट इज ये हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा मेन एम ये नहीं होना चाहिए कि हम किस पर्टिकुलर रिकॉर्ड बुक को कितने स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, बट हमारा मेन एम यहाँ पर यह होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर फैकल्टी के थ्रू हम किस बच्चों को कितने अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और डिफरेंट कॉलेजेस यहाँ पर अपने बुक कीपिंग को मतलब प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग रख के, अपनी चीजों को प्रॉपरली रख के, यहाँ पर देखिए इसके कारण प्रॉब्लम क्या हुई है, प्रॉब्लम ये हुई है कि NAAC ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को ए प्रोवाइड कर दिया, ए या फिर हायर ग्रेड प्रोवाइड कर दिया, ए या फिर ए प्लस प्रोवाइड किया है। इनमें से बहुत सारी एजुकेशन को ऐसी हैं जो कि अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड भी नहीं मतलब नहीं कर रही है, ऐसा ऑथर कहना है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि अच्छे कोर्सेस ना प्रोवाइड करने के बावजूद उनको ए ग्रेड मिल गया है बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने अपने रिकॉर्ड बुक्स को बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ था। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जस्ट सपोज यहां पर एक बच्चा है, ठीक है, उसने अपने जस्ट सपोज कि अपने एक पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर खुद को एनरोल करा रखा है, जस्ट सपोज कि उस पर्टिकुलर कॉलेज का नाम है XYZ कॉलेज, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि वो XYZ के अंदर अपने कोर्सेज को एनरोल कराता है, जब वो कोर्सेज को एनरोल कराने जाता है तो जस्ट सपोज वो अपने आपको न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर खुद को एनरोल कराता है। अब जब वो न्यूक्लियर फिजिक्स को देखता है तो अपने वो कॉलेज के जो डिफरेंट उसकी फैकल्टीज वगैरह हैं उसको चेक करता है कि एग्जैक्टली कौन कौन फैकल्टी है जो मुझे यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ाएंगे। अब जब वो देखता है कि जो न्यूक्लियर फिजिक्स का कोर्स है जो कि उसके कॉलेज के अंदर प्रेजेंट है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, मतलब जो भी टीचर्स वगैरह हैं काफी मतलब मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते हैं, उतने अच्छे ग्रेड नहीं आते हैं, तो व्हाट ही कैन डायरेक्टली डू इज वो इसी पर्टिकुलर ABC पोर्टल के ऊपर जाएगा, डिफरेंट कॉलेज वगैरह को चेक करेगा और ऐसा कॉलेज ढूंढेगा जिसके मार्क्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आते हैं, ठीक है, अब सिंपली ढूंढेगा और उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर जाकर खुद को न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर एनरोल करा लेगा। सिंपल वर्ड्स में मतलब अब तो उसके पास ऑप्शन है ना, वो चाहे तो सिंपली खुद के कॉलेजेस के अंदर ना करा के एक दूसरे कॉलेज के अंदर जहां पर मार्क्स काफी अच्छे मिलते हैं वहां पर खुद को एनरोल करा लेगा। देखिए एजुकेशन इज अ डिफरेंट थिंग, मतलब पॉइंट इज कि मार्क का सिस्टम यहां पर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑब्वियसली आपने ऊपर देखा कि कुछ ऐसे कॉलेजेस वगैरह होते हैं जो कि अपने रेपुटेशन को इंक्रीज करने के लिए
काफी अच्छे मार्क्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, जो एजुकेशन का जो हमारा मेन मीनिंग है, एक प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। तो जो अच्छे इंस्टीट्यूशन जैसे IITs हैं, IISER हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस हैं, वो लोग इस चीज को रोकने से, मतलब करने से कैसे रोकेंगे? आपको पता है कि IIT के अंदर आपको मार्क्स लाने के लिए डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा, बट जो बाकी जो स्मॉल कॉलेजेस हैं उसके लिए आपको मार्क्स लाने के लिए सिर्फ पढ़ना नहीं पड़ेगा, यू कैन सिंपली नो गो एंड डू सम फ्रॉड मीन्स और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। द पॉइंट इज कि इन सब प्रॉब्लम्स के कारण इंडिया का जो एजुकेशन सेक्टर है वो काफी मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है। ठीक है, अब एक दूसरा एक और प्रॉब्लम यहाँ पर समझिए। अब यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर दो टाइप के कॉलेजेस हैं, लार्ज कॉलेजेस एंड स्मॉल कॉलेजेस। देखिए यहाँ पर ये बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कितना नंबर ऑफ कोर्सेस प्रोवाइड करते हैं इसके बारे में बात हो रही है। तो स्मॉल कोर्सेस वो होते हैं, स्मॉल कॉलेजेस वो होते हैं जो ऑब्वियसली छोटे मतलब कम नंबर ऑफ कोर्सेस प्रोवाइड करते हैं, लार्ज कॉलेजेस वो होते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ कोर्सेस प्रोवाइड करते हैं। जस्ट सपोज अगेन मैं आपको सेम एग्जांपल देता हूँ, जस्ट सपोज कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, जस्ट सपोज आप यहाँ पर XYZ नाम के एक दूसरे एक इंस्टीट्यूट के अंदर आपने एनरोल कराया है और यू वांट टू डू अ न्यूक्लियर फिजिक्स का कोर्स। अब अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स का कोर्स करना चाहते हैं बट यू सी कि जो आपके XYZ के अंदर जो आपके टीचर्स वगैरह हैं आपको पता नहीं है उनके बारे में, मतलब आपको नहीं मालूम है कि अच्छा पढ़ाएंगे या फिर नहीं पढ़ाएंगे, यू कैन यू मतलब व्हाट यू डू, आप डायरेक्टली जाते हैं, आप IIT के अंदर खुद को एनरोल कराते हैं और वहां से आप अपने न्यूक्लियर फिजिक्स की जो कोर्सेस वगैरह हैं उसको कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। तो समझिए अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स अपने खुद के कॉलेज को छोड़ करके दूसरे कॉलेज के अंदर करते हैं तो इससे फायदा क्या होगा, मतलब इससे बहुत बड़ा घाटा क्या होगा? देखिए फायदा यह होगा कि IIT के अंदर ऑब्वियसली नंबर ऑफ डिमांड यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है आपको एक अच्छा एजुकेशन मिल जाएगा, दैट इज वेरी वेरी गुड। बट द पॉइंट इज कि आप इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में सोचिए, XYZ के बारे में। देखिए किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर एक फैकल्टी एक पर्टिकुलर मतलब पार्ट में कितने लोग पढ़ाएंगे, कितने लोग टीच करेंगे, फैकल्टी कौन कौन होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर नंबर ऑफ कोर्सेज की डिमांड कितनी आती है। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स है तो न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए एक्जैक्टली कितने लोग यहां पर डिमांड कर रहे हैं, कितने लोग इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कराना चाहते हैं, उसके बेसिस पर डिसाइड यह होगा कि कितने टीचर्स यहां पर पढ़ाएंगे, मतलब कितनी फैकल्टीज वगैरह यहां पर होगी, वो इस बात पर डिसाइड किया जाएगा कि नंबर ऑफ यहां पर जो मतलब बेसिकली नंबर ऑफ वो कितने डिमांड कितनी है, कितने कोर्सेज यहां पर डिमांड किया जा रहा है, कितने स्टूडेंट्स यहां पर इस चीज को डिमांड कर रहे हैं। तो अगर सोचिए अगर हर एक बच्चा यहां पर न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए अपने खुद के कॉलेज को छोड़ करके IIT की तरफ यहाँ पर एनरोल करना स्टार्ट कर देगा, NIT की तरफ एनरोल करना स्टार्ट कर देगा, पॉइंट इज कि इस पर्टिकुलर जो कॉलेज है इसके अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स होने के बावजूद भी खुद को यहाँ पर कोई एनरोल नहीं कराएगा, और उसके कारण सबसे बड़ी चीज ये होगा कि धीरे धीरे इस पर्टिकुलर कॉलेज से भी न्यूक्लियर फिजिक्स यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर समझ रहे हैं तो स्मॉल कॉलेजेस को यहाँ पर बहुत बड़ा घाटा यहाँ पर बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्मॉल कॉलेजेस है वहाँ पर अच्छे टीचर्स नहीं है, बिकॉज आपने तो यहाँ पर टीचर्स को चेक ही नहीं किया ना, टीचर्स को चेक करने से पहले तो आपने वहाँ पर IIT के ब्रांड के नेम पर गए, जो ब्रांड नेम है IIT का, आप उस ब्रांड नेम के ऊपर यहाँ पर मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपने अपने खुद के टीचर्स को चेक भी नहीं किया कि एक्जैक्टली आपके जो इंस्टीट्यूट है, हो सकता है कि आपके खुद के जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर हो सकता है बहुत ही कॉम्पिटेंट टीचर हो, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, बट द पॉइंट इज कि आपको IIT और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस वगैरह है उसके बारे में आपको ब्रांड पता है, आपको पता है कि वहां के टीचर्स डेफिनेटली अच्छे होंगे, एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू देम, आप डायरेक्टली IIT के अंदर खुद को एनरोल करने की कोशिश करोगे और आप स्मॉल जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसके अंदर आप जाने की कोशिश नहीं करोगे। इसके कारण क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसी होगी जो कि इमर्ज हो जाएगी, बहुत बहुत ज्यादा एरिया यहाँ पर ऐसे होंगे जहां पर आपका जो भी मेन जो 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 मेन कोर कंसेप्ट है जो कि एजुकेशन को यहाँ पर प्रमोट करना है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ गए। नाउ फाइनली हम यहाँ पर कंक्लूजन की बात करते हैं कि एक्जैक्टली ऑथर यहाँ पर क्या बोलते हैं। देखिए अगर आप फाइनली समझेंगे तो इस ये जो पर्टिकुलर एम है हमारा, जो पर्टिकुलर हमारा ABC स्कीम यानी कि जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट नाम की जो स्कीम लॉन्च की गई है, इसका इंटेंशन बहुत ही सही है, इंटेंशन बहुत अच्छा है कि डिफरेंट बच्चे हैं उनको डिफरेंट कोर्सेस वगैरह प्रोवाइड करने चाहिए, बट ये कोर्सेस ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये उस सोसाइटी में ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा जहां पर बहुत इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस होते हैं, बट जहां पर किसी भी टाइप की फ्रॉड चीटिंग ये सब की ज्यादा स्कोप नहीं है, जहां पर हर एक बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन मिलता है वहां पर ये चीज अच्छे से काम करेगा, बट इंडिया के अंदर इस चीज अच्छे से काम नहीं कर सकता बिकॉज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहां पर हमारी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी हमारी चेंज हो जाती है, हमारे एक कॉलेज में बहुत अच्छा पढ़ाती है तो दूसरे कॉलेज में अगर आप देखेंगे तो उसका लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, इसके कारण जो प्रॉब्लम है यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा इमर्ज हो जाएगी। इसके कारण हमें यहाँ पर डिफरेंट एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज को ध्यान में रखते हुए चीज डिसाइड करना होगा कि ये जो हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसको रीथिंक करना होगा कि क्या सच में इस पर्टिकुलर स्कीम को हम इसी फॉर्म में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज देखिए ये डेफिनेटली इसके फायदे बहुत है, प्रोज बहुत है, बट साथ ही साथ कॉन्स और भी ज्यादा है, तो इस कॉन्स को हमें सबसे पहले बात तो रिड्यूस करना होगा, उसके बाद ही हम इस चीज को इंप्लीमेंट करें तो ज्यादा बेटर होगा। एक चीज समझिए, हम यहाँ पर हमेशा फूड इन्फ्लेशन की बात करते हैं, हम यहाँ पर हमेशा डिफरेंट टाइप के इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जस्ट थिंक अबाउट द ग्रेड इन्फ्लेशन। ग्रेड इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि देखिए बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं जिनको डिग्रीज है जिनके पास बट उनको उस पर्टिकुलर डिग्री का नॉलेज नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास BSc का डिग्री होगा बट उस पर्टिकुलर पर्सन को BSc की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी। नाउ दिस इज कॉल्ड एज ग्रेड इन्फ्लेशन, मतलब उनके पास ग्रेड्स तो है, उनके पास डिग्रीज हैं बट डिग्रीज तो है बट उस पर्टिकुलर डिग्रीज एंड ग्रेड को प्रूव करने के लिए उनके पास पीछे का नॉलेज प्रेजेंट नहीं है। आई होप आपको ये चीज प्रॉपरली समझ आ गया। ये थी हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। देखिए जब भी आप एक पर्टिकुलर एजुकेशन की पॉलिसी को समझते हैं ना, जब भी आप उसका प्रॉब्लम को समझते हैं तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जो प्रॉब्लम्स है ना प्रॉब्लम से ही हमेशा सॉल्यूशंस निकलती हैं। तो वेन एवर यू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट द सॉल्यूशंस ऑल्सो। जैसे इस पर्टिकुलर जो हमारा ABC स्कीम था उसके अंदर हम जितनी प्रॉब्लम्स सोची है उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप इसके बारे में सोचिए, आप उसका सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कीजिए, बिकॉज दैट इज व्हाट अ ब्यूरोक्रेट एक्चुअली डज।
तो यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ ब्यूरोक्रेट फ्रॉम दिस डे ओनली. अगर आप आज से स्टार्ट करेंगे तो यू नो जब भी आपका एग्जामिनेशन आएगा, जब भी आपका प्री मेंस इंटरव्यू आएगा, यू विल नॉट हैव टू यू नो पुट इन सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स. आप सिंपली एक यू नो नॉर्मल मैनर में आप अपने आप को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. ये था हमारा आज का डिस्कशन. आई होप आपको दोनों आईटीटल्स प्रॉपर्ली डिटेल में समझ आ गए होंगे. काफी दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट आईटीटल्स थे. नाउ व्हाट यू कैन डू इज आप सिंपली एक ब्लैंक पेज ले सकते हैं. आप उसके ऊपर लिखने की कोशिश कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो रिफ्यूजी क्राइसिस है उसको हम किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, कहां कहां पे हमने रिफ्यूजीज को प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, फिर कहां पे नहीं कर पाए हैं. सिमिलरली यू कैन डायरेक्टली गो एंड सिंपली एक ब्लैंक पेपर के ऊपर आप एबीसी स्कीम को लिख सकते हैं, जहां पर आप खुद को ये मतलब ट्राई टू रिटेन की एग्जैक्टली आपने क्या क्या सीखा है आज के ट्यूटोरियल के थ्रू, आपने कौन कौन से न्यू पॉइंट्स यहां पर सीखे हैं और कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे जैसे कि हमने कुछ लॉज वगैरह के बारे में बात की, उसको आप डायरेक्टली प्री के लिए यूज कर सकते हैं. बहुत सारे ऐसे सजेशन वगैरह थे, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसको आप डायरेक्टली मेंस के अंदर यूज कर सकते हैं. सो ट्राई टू यूज दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स. ठीक है, आप सिंपली मतलब देखिए इन सब चीजों को आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये चीजें बिल्कुल दिमाग के अंदर बैठ जाएगी और आपको फिर बाद में कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ेंगे. तो ये थे हमारी आज की डिस्कशन. आई होप आपको ये डिस्कशन प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.